अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नाहिद अंसारी फ्रॉम फूडीज क्रिएटर। और क्योंकि अब सर्दी शुरू हो चुकी है, तकरीबन अभी आई नहीं है पूरी तरह, मगर तैयारी हो गई है और हम सब ने तैयारी आई थिंक शुरू कर भी दी होगी। और सर्दियों का जो मौसम होता है ना, मुझे कम से कम बहुत इंतज़ार रहता है 9 महीनों से कि अब वो आएगा। उसमें एक मज़ा कुछ और होता है सर्दी का। इसमें आपको खाने की चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं, आपको सोने के लिए भी डिफरेंट चीज़ें चाहिए, आपको बिस्तर भी नरम और गर्म चाहिए ताकि आपको ठंड ना लगे। अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ चाय भी ऐसी चाहिए कि आपका गला ख़राब ना हो। तो आज हम शेयर करेंगे आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। और जैसे अब ये सर्दी शुरू हो गई है तो रात को कोशिश करें गर्म दूध लें, और आजकल ताज़ी हल्दी आई हुई है सब्ज़ी वालों के पास, और वो आप तकरीबन, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि एक पाव लें या कुछ, आप कम से कम किलो लें। और उस हल्दी को आपने क्या करना है, साफ़ करना है। हल्दी को साफ़ करके आपने उसके पीसेस काटने, ये कर लें प्लीज़, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और इसको काट के एक ट्रे के ऊपर रखें, और आप टिश्यू या मलमल का कपड़ा उसके ऊपर बिछा लें, और उसके ऊपर रख के आप उसको सुखा लें 2 दिन में। रात को अगर आपने दिन में धूप में रखा तो उसको एक मलमल का कपड़ा ऊपर भी कवर कर दें, वो ड्राई हो जाएगा। फिर आप उसको ग्राइंड करके रख लें। जिसके कमर में दर्द है, बोन्स में, घुटनों में दर्द है, आप उसको हल्दी को जो आपने सुखाया पीस के रखा, सुबह नहार मुँह 1 चम्मच आपने वो हल्दी ली और आपने उस हल्दी को दूध में डाल के या ऐसे ही मुँह में भी डाल के